सुनो कि ये INN पाकिस्तान है क्या? अशफाका न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो है मीडिया रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जो चित्राल में पहली दफा काम का आगाज किया था। 13 में इसकी आइडिएशन पे काम हुआ, 16 में ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ हम काम कर रहे हैं। आगे तो 2019 में जो है केपी इम्पैक्ट चैलेंज के नाम से स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें भी हम रिसेप्शन है और साथ ही साथ स्टार्टअप पीस इनिशिएटिव के थ्रू हम एक प्रोग्राम लेके आए जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज क्लाश के हवाले से प्रमोट करना, साथ साथ जो लीगल चैलेंजेस थे लीगल इश्यूज थे उनको हम एड्रेस करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। आते ही इसके कैलाशा और बेलिस के हवाले से जो एक छोटा सा प्रोफाइल है कि किस तरह है, क्या है, ओरिजिन किस तरह है, इनके बारे में कहते हैं कैलाशा लोगों को। लेकिन कैलाशा लोग खुद यकीन करते हैं कि वो सियाम से आए हैं। सियाम सूरज गुरूब जहाँ होती है वेस्ट की तरफ है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उसको सूरज गुरूब हो जाती है, इस लोकेशन को फेस करके करते हैं मगरब जिसको कहते हैं। साथ ही साथ कैलाशा रिलीजन मोनोथिस्ट हैं, बहुत सारे उनके हम देखते हैं कि कैलाशा लोग पॉलीथिस्ट हैं या बुधपरस्त हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजें कॉन्टेंट मिलते हैं जो हम रियलिटी में देखते हैं। कम्युनिटी के जो लोगों की प्रैक्टिस हैं जो उनके तरीकेकार हैं तो वो कहते हैं कि वो मोनोथिस्ट हैं, वो एक खुदा पे यकीन करते हैं जिसको डिजाव कहा जाता है, तो उसकी इबादत करते हैं, ओकेशनल होते हैं, कोई डेली रूटीन का ट्रेनिंग होता लेकिन ओकेशनली करते हैं। हम समझते हैं कि जब जिसने आपको पैदा किया है उसके साथ कम्युनिकेट करने में आप कोई टाइम फ्रेम बाउंड नहीं है, आप किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। जिस तरह हम पेरेंट्स से कोई भी मसला हो कोई भी बात हो हम बिना झिझक शेयर करते हैं दोस्तों, तो बेटर जो है उसके साथ कनेक्शन भी इस तरह है। पुराने तौर पर 1400 सेंचुरी तक जो है कैलाश हुकूमत करते रहे हैं पूरे चित्राल में, अफगानिस्तान के कुछ एरियाज तक हुकूमत करते रहे हैं। कुछ हमारे लोग जो है वो कश्मीर से भी कैलाश वादी में आए, चित्राल में आए, चित्राल में हुकूमत करते रहे। उनमें से कुछ के नाम जो है जो लास्ट हमारे जो टीम थे अबुल सिंह राजावाई शालक्षा छी छी के नाम से अभी एक बीच भी चित्राल में है वो अभी एग्जिस्ट करता है जो कि अपर चित्राल लोअर चित्राल को कनेक्ट करती है चित्राल में। ये 2022 में हमने एक सेंसस किया था एग्जिट पॉपुलेशन को देखने के लिए कि किस तरह है, किस क्या पोजिशन है, तो उसमें 3980 टोटल हमें इंडिविजुअल्स जो है कैलाश कम्युनिटी के प्रैक्टिस में कैलाश आए वो हमें मिले या आइडेंटिफाई हुए। लेकिन उसकी वैलिडेशन में जाके हमें पता चला कि 4000 हैं, तो ये 1979 से अब तक 4-5000 की फिगर ही बताया जाता है। अभी भी यही फिगर 4000 के एग्जैक्ट फिगर से जो हम इसमें पूरे डिटेल के साथ दिए हैं, छोटे हैं टेक्स्ट लेकिन वो अगर कोई चाहे तो हम शेयर कर सकते हैं कि वो कोई इंटरेस्टेड है जानना चाहते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन 4000 है जिसमें से मर्दों की थोड़ा ज्यादा है, 2500 कम है मर्दों से इस पॉपुलेशन में भी। देखिए कैलाश वैली कहाँ वाकई है, कौन सी एरिया है, ये मैप है कैलाश वैली का, आप देख सकते हैं इसमें तीन जो वैली है उनका जिक्र किया जाता है। यूं तो पूरे कैलाश को वादी कैलाश के नाम से जाना जाता है लेकिन इनके तीन चार वैली है जिसमें से रुकमू मुमरत बिरी, हो सकता है लोगों को ये पता है कि ये बमरेत रंगूर इस तरह लिखते हैं लिखने में, जो इंडिजीनियस नाम है जो पुराने उनके एंशियन नाम है उनको प्रमोट करना चाहते हैं तो उनके नाम इस तरह लिखे जाते हैं। एक जैपनीज होता एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसने ये मैप स्केच किए हैं लेकिन इसमें भी वही जो इंडिजीनियस नाम थे उनको शामिल किया है। तो बीच में एक वैली है उसका जिक्र अक्सर नहीं होता जो अथवागढ़ वैली संबल प्लेस भी है, लेकिन वहाँ कुछ लोग रहते हैं कई सालों से और फ्यूचर में वो भी एक सेटल एरिया भी होगा। छोटी सी खूबसूरत वादी है जो सारे शोर शराबे और इन मसायलों से दूर आइसोलेटेड एरिया है, बहुत खूबसूरत है और वहाँ अक्षारे भी हैं, वहाँ लेक्स भी हैं और हार्ट स्प्रिंग भी है, बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ इलाका है। कुछ तस्वीरें झलकियां हैं जो कि आप तस्वीरों में देखते रहते हैं, हम उसको आगे जाके इसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे टोपोग्राफी या वैलीज की जो पॉपुलेशन आबादी की जो कंस्ट्रक्शन थी किस साइड पे करते थे क्यों करते थे उनके कुछ झलक आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे। ये वादी रुकमू वैली का एक गांव है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, इसमें हाउसिंग क्लस्टर्स भी हैं, जो पुराने घर हैं हमारे डिजाइन से वो भी आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन जितने भी सेटलमेंट एंशियन है वो देखते हैं कि वो इंटीरियर सिक्योर और सेफ जगह पे बनाया जाता है, हर लिहाज से वो नेचुरल डिजास्टर से भी हो एनिमी से भी हो किसी उससे भी आप खतरे से बच सकते हैं आसानी से, वहां लोगों को देख सकते हैं। तो ये एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा 2015 के फ्लड से पहले वादी कैलाश में
वो कहते थे कि ये कैलाश के जो लोग थे पुराने, इनको पता नहीं है ये पहाड़ों में जाके रहते थे, नीचे इतना जरफे जमीने हैं और टेन एरिया से यहाँ क्यों नहीं रहते थे। उनको तनकीद करते थे। जब 15 में सैलाब आया तो 100 के करीब पुराने जो थे इस रिवर बैंक के साथ, वो सारे फ्लड के साथ बह गए। सब लोग रिलाइज करने लगे कि हाँ इनके साथ पहले इस तरह तजुर्बा हुआ होगा, इसलिए ये सेटल एरिया जो है वो ऐसे लोकेशन पे कहते थे जो ज्यादा महफूज है हर लिहाज से। तो ये भी एक खूबसूरत गांव है। इसके साथ साथ जो रंगीन वैली और रंगीन वैली है उसका कल्चर जोन भी है। जितने भी इम्पोर्टेंट रिचुअल्स हैं वो इसी एरिया में कम्युनली अदा की जाती हैं। और साथ ही राइट साइड पे टॉप पे है नंगत वैली का एक व्यू है। और स्टूडेंट्स कुछ हैं, ये वाहिद कैलाशा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ कैलाशा कल्चर के हवाले से पढ़ाया जाता है। उनको कैलाशा वर्किंग बुक है जो ऑर्थोग्राफी है या स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर 18 लेवल की वर्किंग बुक है। क्योंकि जीरो क्लास से फिफ्थ क्लास तक पढ़ाते हैं, जिसमें किस तरह रोमन अल्फाबेट में है उनको बेसिकली पढ़ाया जाता है, किस तरह आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अपने जुबान में अपनी रिवायात को। आप आते हैं कि कैलाशा कल्चर को यूनिक या इंडिजीनियस या हम क्यों यूनिक तस्वर करते हैं, क्यों डिफरेंट है बाकी जो कल्चर सेंस है। उनमें कुछ पांच वो है कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम तस्वर करते हैं कि बाकी जो कल्चर्स हैं या लोग हैं उनसे उनकी रिवायात उनके रहन सहन मुख्तलिफ है। ड्रेस में, फूड में, आर्किटेक्चर में और म्यूजिक में, उनकी जो ट्रेडिशनल डांसेस है उसमें और बड़ी जो रिचुअल्स हैं उसमें भी ये डिफरेंट है। तो यूनिक इन सीजनल फेस्टिविटीज हमारे हैं, चार मेन फेस्टिविटीज हैं जिसमें जोशी, उचाव, चौमोस और पुन। फेस्टिवल अभी 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं और इसकी डेट जो है कि दिल्ली में दिल्ली वैली में इसकी जो है तकलीफात होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक है, हम जाते हैं शौक सवार। आगे जाके एक है कोशिश कर रहे हैं कि जोशी फेस्टिवल जो स्प्रिंग फेस्टिवल है मैं बताता हूँ। और जोशी फेस्टिवल जो ये मई में निकात होता है इसका, ये 14 से 17 मई तक हर साल। और इसमें उचाव जो है ये अगस्त में जाके 20-22 अगस्त जो इम्पोर्टेंट है इस आयाम में, ये अंतिम फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। चौमोस 7 दिसंबर से 22 दिसंबर। चौमोस जो फेस्टिविटीज हैं ये इसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, कुर्बानियां, इसमें चाइल्डहुड जो मेनहुड सेरेमनी बच्चों के लिए, साथ साथ अरवाहों के लिए जो डिपार्टेड सोल्स है उनके याद में भी खुशी दिन मनाया जाता है, टॉर्च रैली जिसको टंडा कहते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज इसमें शामिल है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें म्यूजिकल चीजें जो उसने कहते हैं ड्रम्स, एक्सेप्ट दिल्ली वैली में फिर वो ट्रेडिशनल ड्रम्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है। तो यूनिक इन बिलीव वर्कशिप प्लेसेस, उसमें एक चीज मैंने रेड में लिखा है उनका स्टप्पा करता हियर एन इंटीओ के कंसेप्ट वहां है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और जो टूरिस्ट वहां से आते हैं जिसको उनको नहीं पता होता कौन से एरियाज जो है वो उनके लिए प्रोविजन होते हो ना जाए, कौन से एरियाज ऐसे हैं कि जहां मर्द नहीं जा सकते हैं, तो वो चीज ज्यादा वो है क्योंकि कल्चरल वैल्यूज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जब वो जाते हैं तो वो अगर टूरिस्ट गाइड्स वहां लोकल हैं, खवातीन भी उनको इंगेज करें, उनके साथ मिलकर इन चीजों का एहतराम करें ताकि वो उनकी जो कल्चर है रिवायत है वो डिस्टर्ब ना हो और उनके बिलीफ सिस्टम मुतासर ना हो। तो इस चीज के ऊपर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इस पर भी बातचीत की जाए, लोगों को पता चले कि वहाँ किस तरह कौन सी एरियाज हैं कि जो फॉरबिडन है सर्टन लोगों के लिए, या कुछ हम खुद भी एज अ कैलाशा मेटर्निटी होम्स जो है वैशाली जिसको कहा जाता है वहां नहीं जाते, कुछ अल्टर्स हैं टैंक प्लेस हैं या तो गंगाएं हैं वहां खातन नहीं जाते हैं। तो हर गांव में अलग अलग डायनामिक्स हैं, अलग तरीके का से उनके मुख्तलिफ जगह हैं जो इस तरीके से तकसीम किए गए हैं। तो इसमें फिर फार्मिंग का फिर चरवाहे किस तरह वो करते हैं, वो प्रैक्टिस हैंडीक्राफ्ट के हैं, और इसमें गार्डनिंग, बी कीपिंग वगैरह ये सारे मुख्तलिफ हैं, ब्रेवरीज वगैरह, वहाँ शराब का जो लोकल वाइन्स बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, उसकी क्या वैल्यू है वो भी जानने की जरूरत है। क्योंकि जो वाइन है या ब्रेड स्पेशली इसको होली तस्वर की जाती है कि ये जन्नत से लेके आए हमारे जो मैसेंजर्स थे ब्यास थे, तो इसमें जुनीपर का रोल है, होली और ट्री जो है इन तीन दरख्तों का अच्छा खासा कैलाश कल्चर उनके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, वो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ ओकेशंस में प्लेइंग में भी। ड्रेसेस में देखें, इसमें मैं एक कैलाशा जुबान में है सारे तस्वीर है,
अगर नेक्स्ट करेंगे उसमें फिर अब बात करते हैं कि किस तरह इसके ड्रेसेस मेल ड्रेसेस या खवातीन के जो ड्रेसेस हैं। आप देख सकते हैं ये एक तस्वीर जोशी फेस्टिवल के दौरान स्प्रिंग फेस्टिवल दौरान ली गई है और ये रूटीन के ड्रेस हैं, ये नहीं कि फेस्टिवल के दौरान पहन लिया उसके बाद नहीं, ये रूटीन में पहनते हैं। स्कूलों में भी एक खास डिजाइन होती है, कलर मैच कर रहे होते हैं, लेकिन ड्रेस ये नहीं पहन के स्कूलों में जाते हैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और साथ साथ मुंबई की दिल्ली का फिर एक गांव आता है ट्रेडिशनल जो हाउस एंड प्लास्टर है, वो भी आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन किस तरह के इनके घर हैं, किस तरह लोकेशन है। और ड्रेसेस में मैं बताते चलूँ कि ये ड्रेसेस जो थे पुराने जमाने में वुलन बनाते थे, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता बेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि आपके नेचुरल रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, आपके पास लाइफ स्टाइल के इतना वो नहीं है, ड्रेसेस वगैरह जो है अब वो आप चेंज करके जो बाजार में मिलते हैं रेडीमेड चीजें उन पर फिर अपने डिजाइन के अपने तरीके से बनाते हैं। मर्दों की ड्रेस थे वो चेंज हुए हैं सिर्फ दिसंबर में, 19 दिसंबर को हम बच्चों को मेनहुड सेरेमनी में वो पहनाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस, वो बना के हर घर में रखे होते हैं, लेकिन अभी भी कोशिश दोबारा रिवाइज करने की कर रहे हैं, देखते हैं कि किस हद तक वो ड्यूरेबल होगा उसको किया जा सकता है नेक्स्ट वीक। ये लोकल कुजींस के नाम है लेकिन इनमें कुछ फेमस तो मैं बता दूंगा, इसमें वॉलनट ब्रेड जो है वो ज्यादा फेमस है, पहले उसको लिखा हुआ है, फिर मटन ब्रेड है जो कि वॉलनट ब्रेड के साथ मटन यूज करते हैं, लोबिया का बहुत ज्यादा यूज है वहां ज्यादा पसंद करते हैं लोग, और डायरी प्रोडक्ट्स जो है बहुत सारे वो भी यूज करते हैं, उनके मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। कुछ स्पेशल डिशेस हैं जिसमें हम मटन के सूप में फिर व्हीट फ्लोर मिक्स करके बनाते हैं, वो भी उस पर देसी घी भी यूज करते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। बाकी ये 42 किस्म के कुजीन हम तैयार हैं। फिर गेम्स हैं मुख्तलिफ बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, और इसमें फिर छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए भी हैं। खवातीन किस तरह के गेम इंडोर खेलते थे वो छोटे छोटे गेम्स इसमें शामिल हैं, जिसमें अंगूठी को छुपाने के वो हैं, वो बॉयज और गर्ल्स में कंपटीशन होता है, रिंग को छुपाते हैं फिर उसको फाइंड आउट करना किसके पास है, तो वो खेलते थे। अभी वो छोटे गेम खत्म हो चुके हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें मुतासर हो रहे हैं। मेडिसिन का भी अगर कोई इंटरेस्टेड सपोज है कि वो फार्मेसी में इंटरेस्टेड है और हार्बल मेडिसिन के ये लोकल नाम है, इनमें मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज करते हैं, जिसमें खांसी के लिए, पेट के लिए, पेट में दर्द के लिए, और अगर किसी का पेट वो है मुकम्मल बंद है तो उसके लिए भी एक ग्लास के नाम से निकल हुआ है, इस तरह के वो यूज कर सकते हैं, और दाना वगैरह निकल रहे हैं उनके लिए भी है। केलिंग के नाम से इसमें हमारे पास एक हर्बल मेडिसिन है जो कि कैंसर को रोकता है, अगर उसको किस जख्म पे यूज किया जाता है तो फिर वो कैंसर ये सर के जो बीमारी है उनको रोकता है, खराब होने नहीं देता और जल्दी रिकवर होने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये तो थोड़ा कल्चर के हवाले से हमने एक जल्दी जल्दी कुछ बातें हमने की, आगे जो वीडियो उसमें कोशिश करेंगे देखेंगे अगर वो प्ले हुआ तो, लेकिन इसके साथ साथ जुड़ी एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि वो सोशल मीडिया के आने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हम देखते हैं बहुत सारे फैब्रिकेटेड ड्रामेटाइज स्टोरीज हैं जो कि उसकी नुमाइंदगी नहीं करते कल्चर की और उसको प्रेजेंट सही तरीके से नहीं करते, जिस वजह से मसाइल का शिकार होते हैं, कम्युनिटी को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आप देखें कि जो सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो थे वो गलत डिस इंफॉर्मेशन को आउट करना शुरू कर दिए, गलत तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिए, स्पेशली इनके लेवल्स जो है वो क्रेजी है कि किस तरह के लेवल्स लगाते हैं, वो नहीं देखते हैं कि एक दफा मैं किसी एरिया में गया और उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा मेरे जो कंटेंट है इसकी वजह से, मैं किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह उनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काम करने की जरूरत भी है, इंफॉर्मेशन को जो है सही तरीके से आगे पहुंचाने की जरूरत है, जो पॉजिटिविटीज है उनको हाईलाइट करने की जरूरत है, उस कल्चर को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया में जितने भी वायरल होते हैं हम देखते हैं वीडियोज जिनकी वजह से वहां की कम्युनिटी स्पेशली खवातीन वो मुतासर है या उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। कि आगे नेक्स्ट करें ये अगेन वही है कि जो मिसलीडिंग कंटेंट्स हैं, लेट्स सपोज शादी का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि कैलाश में खवातीन जो है बाप के शादी करते हैं, अभी जिस तरीके से बच्चों से जब सवाल पूछते हैं जहरी बात वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, फिर अगर वो क्लिप स्पेसिफिकली हम देखते हैं वायरल की जाती है कि हाँ कैलाश में तो
ना तो कदबा की जाती है, कोई सिस्टम नहीं है, बाप की शादी करते हैं, कोई उनका कोई एथिक्स है नहीं इस सिलसिले में, वो बिल्कुल अलग है उनकी, वो मेला लगता है जिसमें शादी करते हैं, पसंद करते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, अगर कोई शादी करना चाहता है खुशी के ओकेशन पे, फेस्टिवल हो रही है, खुशी का मौका है, शादी कर लें, उनकी अपना यादगार कोई मोमेंट बनाना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन इसमें मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, दो तीन किस्म के, जो कि डॉक्यूमेंट्री में आगे जाके 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की कोशिश करते हैं उसमें कवर होगी, जो शादी के हवाले से सेगमेंट है वो भी हम बताएंगे कि किस तरह होगी। तो ये इसमें अगेन मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पेशल मीडिया स्टडीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। मैं आगे जाके वो भी बताऊंगा कि किस तरह की कॉन्टेंट क्रिएट की जा सकती है ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, वो कम्युनिटी को भी उसकी फायदा हो, आप लोगों को भी फायदा हो, उसके उनके एहसास जो वैल्यूज है वो भी डिस्टर्ब ना हो। कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह के कॉन्टेंट्स या लेबल्स स्पेशली यूट्यूब पे या दूसरे सोशल मीडिया है उन पर लोग लगा देते हैं। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि किस तरह की वो तस्वीरें उस पर सामने में लगाए होते हैं जो कि वहाँ के कल्चर वहाँ के लोगों के साथ मुताबिक नहीं करता। कैलाश में कजन मैरिज इवन नहीं होता, उनके कास्ट के अंदर नहीं करते हैं लोग, वो अपने जो रिश्तेदारियां हैं उनके ख्याल रखते हैं। तो इस तरह के जब लेबल्स लगेंगे वो फिर किस किस्म की टूरिज्म को वहां प्रमोट करने जा रहे हैं, किस किस्म की टूरिज्म को हम इंकरेज करें कि वहां जाएं, तो फिर हम पीछे वापस जब आते हैं कहते हैं कि कैलाश के लोग तो ठीक नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पहाड़ी है इनका, फिर इस तरह की बातें हो जाती हैं। बजाय कि उनकी अपनी रिस्पेक्ट करें, वो भी डबल रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, आपको वेलकम करेंगे। तो वेलकमिंग होने के लिए पहले हम अपने आप को एजुकेट करेंगे, फिर कहीं जाके उसके मुताबिक हम रिवाज के मुताबिक अपने आप को डांपेंगे या चलेंगे, फिर वो बेहतर होगा, फिर दोनों तरफ से रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन इसमें इस तरह की जो लेबल्स या एक ही चीज को लेकर वो आगे जा रहे होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स भी हैं इसमें, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, एक्टिविटीज हैं, फेसिलिटीज हैं, उनको भी अलाइज किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। स्पोर्ट्स के हैं तो आपके चरगोजे के अच्छे वहाँ फॉरेस्ट है, पाइनट के सीदार के हैं, होलियर प्लेस के हैं, लेक्स हैं, तो कल्चर की बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको हम वो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दो तीन और डॉक्यूमेंट्रीज से जो कि कैलाश सीजनल फेस्टिवल्स के हवाले से, लेकिन आप स्पाटा न्यूज के चैनल पे उसको देख सकते हैं। आगे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो हम एक ही सेगमेंट को यहाँ दिखा सकते हैं, तो बाकी आप चौमोस का जो है थोड़ा 11-12 मिनट की है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिचुअल्स हैं, एक्टिविटीज हैं। तो ये था कैलाश फेस्टिवल का, वोशो फेस्टिवल का। यूनिवर्सिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्पेशली मीडिया के, एंथ्रोपोलॉजी के, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के रेलिवेंट जो है, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बहुत सारे हमें देखे हैं कि जो पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज हैं, काफी यूनिवर्सिटीज जाते हैं वहां थीसिस करते हैं, इवन पीएचडी तक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। हम जाके एक हफ्ते दो हफ्ते लगा के निकल आते हैं, लेकिन ऐसे हैं हमारे पास कुछ एंथ्रोपोलॉजीज जहाँ कम्युनिटी के साथ रह के 2-3 साल में उन्होंने किताबें लिखी हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। दिन मैगी का किताब है, अगर वुमेन सास्त्री के नाम से है, यूएस बेस्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसने अच्छी किताब लिखी है। तो जो दुशारी के कंसेप्ट जो पता था मैं बता रहा था, प्योर एंड प्योर का बहुत डिटेल में उसमें मौजूद होगा। और इसके अलावा सोशियोलॉजी में भी अपॉर्चुनिटीज है, जो डिपार्टमेंट के उनके भी थीसिस अक्सर आते हैं, स्टूडेंट इस तरह के ये लेके थीसिस करे होते हैं उस पर। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में भी बहुत गुंजाइश है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, और अभी भी बहुत सारे ओरल हिस्ट्री हैं जो उनको डिफाइन करने की जरूरत है, उनको दोबारा जानने की जरूरत है। तो मास कम्युनिकेशन वाले तो मीडिया के उनके जो फेस्टिवल के अलावा अभी कैलाश फोक स्टोरी सब तक एक्सप्लोर नहीं है, उन पर कोई काम नहीं हुआ है फिल्म मेकिंग में। हमने अभी एक स्टार्ट किया है स्टार्टअप फिल्म के थ्रू जो हिस्टोरिकल शॉर्ट मूवीज हैं, तो हमारी कैपेबिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स, जैसे टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे हैं, क्योंकि हम उन एरियाज में रहते हैं जो टेक्निकली हमें समझ नहीं आ रहा या उनको वो सिंह नहीं कर पा रहे उनके साथ, तो इश्यूज सिंह फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं स्टार्टअप फिल्म पे एक शॉर्ट मूवी के वो दिए हैं ट्रेलर, जिसमें 35 मिनट्स की लॉन्ग होगी शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन अ ट्रू लव स्टोरी है। उसके साथ वो कुछ फोक स्टोरीज अभी भी, वो सॉन्ग्स भी फेस्टिवल में नरेट होते हैं, वो अभी भी यूज हैं। उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो कि उन पर काम किया जा सकता है, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी वाले जो होंगे यूनिवर्सिटीज के,
टूरिज्म के लिहाज से भी वहाँ काम किया जा सकता है। चित्राल यूनिवर्सिटी में टूरिज्म का डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं लोग, एक्सप्लोर करते हैं कल्चर को, अगर कोई नेचुरली एक्सप्लोर करना चाहे तब भी वहाँ गुंजाइश है, आप देख सकते हैं जाके वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन प्रैक्टिस में एक हीलिंग प्रैक्टिस भी है और हर्बल भी है, तो इसमें भी बहुत सारे गुंजाइश है। इसमें भी एक खातून कराची बेस है लेकिन यूपी में प्रोफेसर खान यूनिवर्सिटी में, उसने कुछ काम किया हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता हुआ पब्लिश हुए हैं कि नहीं, तो उसको भी वो किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जी इंटरनेशनल टूरिज्म को मैं बता रहा था कि देखो राइट साइड पे जो है लेफ्ट साइड है, लोकल टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं चौमास फेस्टिविटीज को, और मेरी तरफ जो तस्वीर है कि इसके हैं केट मिडलटन जब आए थे विलियन, तो कैलाश जब आए थे विल में मिल गए थे, बहुत खुश थे। तो यहाँ मुशरफ भी, दूसरे जितने भी हमारे प्रोमिनेंट जो है पॉलिटिशियंस आते रहते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं कल्चर को, वहाँ के वैल्यूज को, नॉर्म्स को, रिपोर्ट सिस्टम है उनसे। सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि आप जो बाकी डॉक्यूमेंट्री से आप इश्पाता न्यूज को वो कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कवरी में जाके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्रीज हैं, न्यूज में फिर कुछ और भी चीजें आ जाते हैं, तो स्पेसिफिकली आप दे सकते हैं इस चीज को। 2020 में जब कोविड था तो गवर्नमेंट की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से इश्पाता न्यूज को अलाउ किया था कि वो कवर करें, बाकी मीडिया जो है उसको वो कवर नहीं कर सकते। तो ये ट्रस्ट था कम्युनिटी का हमारे ऊपर, हम इस पे काम करें। खूबसूरती के साथ बयान करने के लिए और इस चीज की जिम्मेदारी हम भी लेते हैं कि हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे जरूर होते हैं जो मुख्तलिफ चंक्स लगाते हैं अपनी व्यूअरशिप के लिए। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या जिस तरह का मेनस्ट्रिप कुरान हॉलीवुड हमारी हॉलीवुड होती है, तो ऐसे कोई मेनस्ट्रिप विनाश रिलीजन के अंदर भी पाया जाता है? बिल्कुल, बहुत सारे जो लिटरेचर्स थे, जितने भी चीजें थी स्क्रिप्ट थी, उनको तबाह की गई जब कैलाश की हुकूमत खत्म हो गई, बहुत सारे स्केटेड एरिया पे थे होके वैलीस में जाके रह गए। यहाँ भी हमें ये पता चलता है कि एक बिहार का जो मैसेंजर था हमारा, उसके पास एक किताब हुआ करता था जो नॉर्मली हम पढ़ नहीं सकते थे, तो ये स्क्रिप्ट ऐसे थे कि हमें किसी को समझ नहीं आ रहा था, कोई जो रिसर्चर थे वो भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उस किताब को खोलने के लिए कुर्बानी करते थे, फिर जाके खोलते थे। तो ये फ्रांस से खातून है विवियान के नाम से, उसने अपने किताब में उसने कोशिश की लिखने की, लेकिन वो पूरी दिन जाया किया लिख नहीं पाए, तो उसने कुछ तस्वीरें शायर की उस पर, तो उससे ये अंदाजा होता है कि बिल्कुल उनका स्क्रिप्ट था। इसके साथ ये स्टोरी भी है कि जब इस विहार के पास एक मसले को लेकर गए हैं, तो इस विहार विहार हम कहते हैं मैसेंजर या वानी पेशवा जो है कैलाश कम्युनिटी में, आजकल इसको शैमन तो पता नहीं इस तरह भी कह रहे हैं, लेकिन हम तो बिहार के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक मसला हुआ था प्रिंस फैमिली के साथ चुपाल में, उनके भाई को किसी ने कत्ल किया या मिसिंग था, वो नहीं मिल रहा था, सबको बुलाया गया कि इसको डिग आउट करते हैं, फाइन करते हैं, कहां क्या हुआ उसके साथ, वो सारे लोग आए जो उनके वो थे आ रहा वो कामयाब नहीं हुए, तो एक बंदे को जब बुलाया तो उसने किताब हवा में रोकी उछाल दी कि इसको फॉलो करो, जब जहां भी जाएगा आप वहां जाके इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब इसकी बात में फॉलो करते रहे हैं लोग, ये पहाड़ी में जाके अफगानिस्तान के साथ हमारा हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर है, वहां जाके पहाड़ी में किताब नीचे बैठ गई, फिर वहां से वापस चला गया, जब उसको उठा के देखे तो उसको मर्डर करके वहां रखा गया था। तो ऐसे स्टोरीज हैं, तो बाकी रिटन स्क्रिप्ट वो जितने भी वो थे खत्म हो गए, और भी सारी चीजें ह्यूमन रिचुअल्स ये चलते रहे। आपने जिक्र किया कि आप लोकल गवर्नमेंट में वहां पे काम भी कर रहे हैं और आपने इश्पाता न्यूज नेटवर्क भी किया है, तो आपने इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए कि हैवी अमाउंट्स भी पे ना की जाए और आप अच्छी तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें, आपने क्या स्टेप्स लिए हैं? दूसरा सवाल भी मेरा इससे रेलिवेंट ही है कि अगर आप, क्योंकि आप हमारे पास यहाँ पे आए हैं, यहाँ से अगर एक डेलीगेट आना चाह रहे हैं आपके पास कैलाश में एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप बतौर वहां पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट और इश्पाता न्यूज नेटवर्क हमें क्या फैसिलिटेट करेंगे कि हम लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव बने और हम लोग यहाँ से वहां ट्रैवल करें? थैंक यू। जिसमें 15 जो है वो लाइसेंस लेके बाकायदा तौर पर वो उनकी फैमिली की गाइड कर रहे हैं, फिर उसके साथ जो स्टूडेंट के साथ भी वो इंग्लिश है वो कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जहां तक बात है मेरे पुलिस काउंसिल या मेरे कैपेसिटी पे जो होगा, पुलिस काउंसिल आजकल के जो सियासी हालात है कुछ भी वहां के पास रिसोर्सेज नहीं, अलबत्त अश्पाता न्यूज नेटवर्क का हेडक्वार्टर वहां मौजूद है, मेरे स्टाफ वहां मौजूद है, अगर कोई आना चाहता है तो हम जरूर उसको फैसिलिटेट करेंगे, टूरिस्ट को हम
करते रहे हैं, लेकिन रिसर्च जो कर रहे हैं स्कॉलर्स जो हैं उनको हमने फैसिलिटेट करते रहे हैं। उनके साथ मैंने पीएचडी स्कॉलर्स के साथ एमफिल मैंने काम किए बहुत सारे, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, तो हम जहां से जहां तक हो सके फैसिलिटेट करेंगे। थर्ड ये है कि मैं खुद एज ए टूर ऑपरेटर भी काम करता हूँ, मैं पाकिस्तान टूर को लीड करता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि हमें क्या करना है, किस तरह कनेक्ट करना है। तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई इस तरह की यूनिवर्सिटीज के कोई आना चाहता है तो जरूर हम इस पर फिर वर्कआउट करते हैं। सिर्फ कैलाश में नहीं, पूरे चित्राल में फिर आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, आपको दिखाएंगे सारे एरिया जो आपकी जितने भी क्वेश्चन है उनको रिस्पॉन्ड करें। मीडिया को ह्यूमंस कैन नॉट रेजिस्ट विजुअल्स, नहीं रेजिस्ट कर सकते जो जैसी दिखाई जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करने के बजाय मनो अनुस पर यकीन कर लेते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां के मजीद लोकल्स ऐसे हैं जो इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो नेगेटिविटी एक सोसाइटी में फैल रही है रिगार्डिंग द कैलाश पीपल उसको दूर करने के लिए कोई काम कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि आप अकेले तो कर रहे हैं लेकिन वहां के अगर लोकल्स मजीद मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे और ठीक तरीके से इसको पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि चेंज आ सकते हैं। क्योंकि हम अपने कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे अभी फेमस टिकटॉकर बन गए हैं, वहां से यूट्यूबर्स भी आ गए हैं काम कर रहे हैं, मेरे स्टडीज में हमारे बच्चे गए हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ वहां से ग्रेजुएट हो चुके हैं इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं इनपुट दे रहा है। लेकिन प्रायोरिटीज का डिफरेंट होता है हर किसी का, इदारे का भी इंडिविजुअल का भी। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी शायद इतना वो ना हो, अगर नेगेटिविटी आपको मेरे स्टूडेंट आपको पता है अगर कोई अभिज्ञता है इस तरह की चीजें ना, तो लोग इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो आपका जो विजन अगर क्लियर हो, मकसद क्लियर हो किस लिए कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो भी इस पर ग्रुप में शामिल होंगे। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ वहां टीम है और भी टीम हम शामिल कर रहे हैं और मिलकर करेंगे। गवर्नमेंट को भी इस पर ट्रायल करने की कोशिश करें कि वो टूरिज्म मैनेजमेंट प्लान लेके आए, उस पर काम काफी हो चुका था कोविड की वजह से मुतासर हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जरूर आप देखेंगे कि इसमें काफी चीजें आएंगी और अच्छे होंगे। अथॉरिटी बन चुकी है, उस पर भी हम आगे काम करेंगे, प्लान्स बनेंगे, तो ये चीजें इससे थोड़ा बेहतर होंगे, इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, इनको अच्छे पॉजिटिव चीजें आगे ले आएंगे और नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली खत्म होगी। तो सर छोटी सी एक सजेशन भी मैम मैं देना चाहूंगा, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि 15 से 22 तक मैंने काम किए हैं स्टेट मीडिया के साथ भी, इंटरनेशनल के साथ भी मैं फ्रीलांसर काम करता रहा हूँ। तो ग्राउंड में फोकस्ड है, ग्राउंड में हम काम कर रहे हैं, कॉन्टेंट पे भी काम कर रहे हैं, चीजें भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, 3 किताबें हमने पब्लिश की हैं, मैंने खुद एज अ लैंग्वेज एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया हूँ प्रोजेक्ट में। तो हम ग्राउंड में काम कर रहे हैं, बच्चों को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मवाद लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। मेरे जैसे और भी बहुत सारे दोस्त हैं वो भी अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कैलाश कल्चर सेंटर में भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, उन पर फोकस हैं, काम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिसोर्सिस का भी इशू होता है आपका, और टेक्निकल रिसोर्स भी चाहिए होते हैं, वो सारे एक चीज वो है जिसकी सबसे ज्यादा जो फुकदान है वो टेक्निकल, जो टेक्निकल बंदे आएंगे वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। पॉलिसी लेवल पे बदकिस्मती से पाकिस्तान में कैलाश को मौका नहीं मिला रिप्रेजेंटेशन जो आपके असेंबलीज हैं इनमें, अब जाके पिछले 10 ईयर में जाके एक पार्टी से ऐसी पार्टी ने दे दी मौका दे दी कैलाश के जवान को, जो उसको सिर्फ एमपी नहीं बनाया बल्कि उसको डायरेक्ट चेयरमैन बनाया, उसके बाद उसको स्पेशल असिस्टेंट सीएम बनाया, उसके सम्राट मिल रहे हैं पहली दफा कैलाश कम्युनिटी से, आज लेक्चरर्स बदले हुए हैं गवर्नमेंट के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, वो बहुत सारे दूसरे उनके भी आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कैलाश से जो नौजवान है चाहे फीमेल हो मेल हो वो अक्रॉस पाकिस्तान आएंगे और अपने जो राइट्स हैं जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे भी करेंगे, वहां भी जो है काम करना है वो भी करेंगे। जफर साहब वहां अभी 6-7 दफा विजिट किए हैं, तो ये आपको जो एक्सपीरियंस इसमें गेन किए हैं देखे हैं वो भी बताएंगे। थैंक यू सो मच, और ये सारे सबको जफर साहब की जहर साहब की मेहरबानी है कि इसने कनेक्ट किया बहुत जल्द और हमें मौका दिया कि आपसे इंटरेक्ट करें, बहुत शुक्रिया। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किराना शुरू किया? दो फीमेल सिंगर्स हैं जो कि दो सिस्टर्स हैं, दे आर वेरी पॉपुलर फ्रॉम क्लास। तो
that would be the first news anchor, शायद वो पाकिस्तान में पहली news anchor जो है, जो के खिलाफ थी as a singer. तो जब मुझे उन्होंने कहा तो मैंने very next day उनको बुलाया, उन्होंने जो report बनाई, तो जो report जब पाकिस्तानी media पे चली, the next day evening, ठीक है, she called me कि सर मुझे BBC से call आ गई. उस report को पाकिस्तानी media पे देखने के बाद बीबीसी ने उसको अप्रोच किया, उसको कॉल की, तो जो सबसे जो मेन चीज है वो ये कि जब हम जहां भी जाते हैं, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट देयर कल्चर, वी शुड रिस्पेक्ट देयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और एज अ टूरिस्ट जो हमारी एथिक्स है, ताकि अगर यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इंटरनेशनल टूरिस्ट, वी शुड बी कंफर्टेबल विद नेशनल टूरिस्ट. उनको ज्यादा जो है वो अच्छा लगना चाहिए कि पाकिस्तानी जो है वो जब वहां पे जाएं तो स्पेक्स, और जिस तरह से एक जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, तो वो पीपल आर नॉट नाइस देयर, उनकी जो है वो इसी तरह से जिस तरह से हमारी इज्जत, और वो वैसे ही दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट. तो हमें, क्योंकि आप लोग मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग ज्यादा इसमें बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करने में, लोगों को बताने में कि जो तलाश है ये बेसिकली तौर पर पाकिस्तान का एक खूबसूरत और एक मीठा ग्रंथ है, और वहां की जो तहजीब है, स्पेशली जो चित्राल का म्यूजियम है. तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये एक अलग से दुनिया है जिसको आप लाजमी अपनी जिंदगी में, जब कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप इसको एक्सप्लोर करें, बल्कि डर से आप इन डेलीगेशन की सूरत में स्टूडेंट्स को वहां पे आपको किला एक्सप्लोर कर